लग चुका है। चुनावी प्रचार के लिए पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन INDIA गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग में ही अब तक फंसे हैं। कभी पश्चिम बंगाल में बवाल, कभी बिहार में तकरार, कभी यूपी में सीट शेयरिंग पर पेच, तो अब महाविकास अघाड़ी में विवाद। शरद पवार उद्धव ठाकरे के घर पर हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद भी कई सीटों पर संग्राम जारी है और अब दिल्ली दरबार में भी इसकी चर्चाएं हैं। भिवंडी, सांगली, उत्तर पश्चिम, सतारा और दक्षिण मध्य मुंबई की सीटों पर महाविकास अघाड़ी में विवाद हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। कहीं कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं, कहीं NCP शरद गुट की पैठ है, तो किसी पर उद्धव गुट अपनी दावेदारी ठोक रहा है। पहले भिवंडी और अब महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सांगली में अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतार कर फ्रेंडली फाइट करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों सीटों पर विवाद है, क्यों वो आप ऐसे समझिए। सांगली लोकसभा सीट पर बिना सहमति के शिवसेना के उद्धव गुट ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जिससे कांग्रेस नाराज है। सांगली सीट पर 1957 से 2009 तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा, हालांकि 2014 से यहां बीजेपी का कब्जा है। दूसरी लोकसभा सीट है भिवंडी। भिवंडी में NCP के शरद गुट ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कांग्रेस शरद गुट के इस फैसले से बहुत नाराज है। 2009 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, हालांकि अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। जहां बीजेपी का कहना है कि वो 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही है, महाराष्ट्र में टारगेट 45 प्लस का है, इसीलिए सिर्फ पार्टी नाम के लिए लड़ने से ज्यादा विनिंग फैक्टर देखना अहम होगा। इसीलिए जो पार्टी जीत सकती है उसका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो वहीं INDIA गठबंधन में एक एक कर पार्टियों में ही ठंती चली जा रही है। कभी प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी से विवाद, तो कभी कांग्रेस के साथ कलह। अभी तक का निष्कर्ष ये है कि महाविकास अघाड़ी अपनों में ही फंसती चली जा रही है।